ज्योति, ए ज्योति। हाँ मौसी। घर में मरी रह, तन मन से कुछ काम भी कर ले कर। सुनते क्यों ना आनी को है? इतनी घर की हो रही है तू? मेरा गला सूख गया तुझे आवाज मारता मारता। मैं काय को मार रही आवाज तुझे? कुछ काम ही तो बता रही होंगे, नहीं मार रही तुझे, फेल निकली जा रही है। चाय धरिए, चाय पी ले और अपने बाप को भी ला के दे दे चाय। मैं थारी नौकरानी ना हूँ, यहाँ थारे नौकर ना लग रहे काम करने के नियो। अब उठिए, इतना सूरज चढ़ रहा, अब भी अपना चल रही है निंग्या को अपने। मैं आवाज मार रही हूँ, आप लिकड़ी जा रही है। चल रसोई में जा, खुद भी चाय पी ले, अपने बाप को भी ला के दे दे चाय। अब कहाँ चली? मुंह धो का मौसी जी। अरे क्या कह रही तू? अरे मैं कुछ ना कह रही, तेरा दूध धरा पी ले। ला दे तू। चल पी ले। चाय धरिए तेरी, गरम कर ले और पी ले। किये है? देख ले किया। यूं मेरी माँ ने उसे पढ़ाया था। हार रही था? हाँ, मेरी माँ ने दिया था उसे। बस फिर दरिया ही है उस दिन तो, यू आज तो तेरा है। बस मेरी तेरे तो हाथ जोड़ के एक प्रार्थना, या जो छोरी है ज्योति, इसे तू अपनी मान लिया। बस मेरा सब कुछ आया हो जाएगा। मैं चाह नहीं रहा था, पर फैसला लेना पड़ा। सब रिश्तेदार कहने लगे, मैं मजबूर हो गया। न मेरा कोई ऐसा विचार था ही नहीं। तुम टेंशन न लो, मेरी छोरी है वो, फिकर ना करो। ठीक है, बस मैं सारी जिंदगी तेरे आसान को नहीं भूलने का। लो बापू चाय। बैठ जा, जल्दी बैठ जा। अरे अमर। हाँ जी। मेरे भैया को शांति, आज तू भी वहां क्यों खड़ी? शांति चाय पीना? चाय मैंने पी रखी है, तुम पियो। बैठ जा, आराम से बैठ जा। नहीं मैं ठीक खड़ी हूँ, तो मैं जो कहना कह दो जल्दी, मुझे इतना टाइम ना है। शांति मैं नू कह रहा, मगर तुम्हें बात भूल सी गई दिखा। के भूल गए? जो बात होनी थी वह हो नहीं रही। मैं नू कह रहा हूँ, यू सब कुछ अमर का ही है, घर धरती सब कुछ अमर का। पर मेरे कहे थे तुम एक काम कर ले, इन्हें संस्कार सिखा ले, वे तेरे काम आएंगे। ये संस्कार सिखा लूं सर? आवाज मारे से सुनती नहीं हूँ, हैं? अपनी माँ मुझे समझती नहीं हूँ, कानों पे कुटालती रहा, मैं आवाज मारती रहूँ तो क्या संस्कार सिखा लूँ इसे? मैंने कह रहा, या यंत्र ते एक चुकटी मट्टी भी लेकर नहीं जाने की। जो संस्कार सिखाऊंगी वे तेरी काम आएगी। तो कहा था मैं इसे अपनी मान लूंगी। मानती नहीं क्या मैं इसे अपनी? मैं तो इसे अपनी मान लू, पर यूं मुझे अपनी माँ नहीं मानते। ठीक कह रही तू, चाहते ही बनाई थी। हाँ मैंने बनाई। क्या हो गया चाय में? मेरे को ये भाई दिए, भाई को दिए। इश्क भी बदले, लग जाएगा फर्क का पता। क्या कहना चाह रहे हो तुम? मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, तू कह रही मैं फर्क नहीं करती। फर्क तो चाह कर दूध का ही हो गया, घूट भर इसकी, फर्क का पता चल जाएगा। गलती नहीं है इसमें तेरी, वो तेरा है या मेरी है, यही बातें हुई थी तेरी मेरी। मैं नू कह रहा हूं शांति, तू चाहेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं तो बहुत दुखी हो जाएगी। वो दूध पियो ऐसा दूध दे दूं? यू ना मांगती दूध तो ऐसा कहां से दूध दे हूं? चाय पीवा तो चाय पी ले। तू फर्क तो ना करे, चाय भी चाय नहीं है या घूट भर तू एक बार इसकी, तू कह नहीं सकती दूध पी ले।
इसे कह दिया तेरी चाह धरी कर ले गरम, तू मज नहीं दे सकती चाह या ले का ही। मैं कौन सी उदू बात कर रही हूँ इससे, यो मुझे अपनी माँ ना समझती मौसी कह वे मुझे कह रहे इनका दो बात कर रहे, बताओ काय मैं कर दी मन। चलो मैं खेत में दू बस, मैं तुम कहूँ ठीक रहो जो कर भी हो सका, अरे कुछ दो रब देख लिए। ले सटक ले चाय, पड़गी चैन तेरा हैं, खुद बना के पीला कर, मेरी पसंद ना आते तो मैं बाप बेटी को चाय बनी भाई, कलेश करवाना जरूर घर में, अरे ऐसी बैठ जाएगी साफ सुंगी से जैसा कुछ जानती ना सारी बात उसे बतावेगी। रोले से मरी भाई माँ को भी, यू तो मर गई और तुझे करमजली को मेरी छाती पे छोड़ गई। धर्मवीर जिंदगी की तो सबसे बड़ी भूल कर, ना दूसरा ब्याह करता ना छोरी की हत्या होती। लगा दे सारे दूध मां किसी ने, अरे मां अभी तो लगा भी ना, लगा भी ना, ना कभी कर बिगड़ लगे रो रही है, बिगड़ लगे रो रही है अभी तो है, तन्नी धरा ना दूध रसाई में, लगा दे सारे दूध मांग नू के बापू का दूध ना देती सा इसे प्यावे दूध अल्लाह के कर दिया थे यू। शांति मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, उस दिन सिम जाता उस दिन तेरा राइड और पत्ती पटी गई के बढ़ गई बढ़ती, मैं तेरा सारा बहम काट रहा हूँ, दो साल वा और है, दो साल में उसका ब्याह हो जाएगा, दो साल की सजा और है उसकी, मैं तेरे हाथ जोड़ू पाप पकड़ू ढंग तेरे लड़ने से आगे के दिखावेगी वह जाके यू सी कही, मैं के फांसी पड़ रही है उस पे, कौन भगा रहा है उसे घर से निकाड़ के, तुम उसे घर में ही रखो, मेरा अमर ही चला जाएगा घर छोड़कर, मैं चली जाऊंगी घर छोड़कर। अमर नहीं जाने का, अमर क्यों जाएगा, तुझे यू बहम क्यों है अमर चला जाएगा, तुझे नू डर है कि मैं उसे कुछ दे दूंगा। तुम सारी जायदाद को अपनी बेटी को दे दियो, अमर और मैं चले जाऊंगे अपना लिकड़ के इस घर से, भीख मांग लेंगे अपना और क्या करेंगे। तो सिमंज क्यों नहीं रही, थारे दिमाग में गलत फहमी घुस रही है ना, माँ तो मैं हूं नहीं, मैं तो मौसी हूँ, माँ होती है तो कुछ करती भी, मैं तो मौसी हूँ कुछ कर ही ना रही, घर से भगा रही मैं तो उसे, यहाँ फांसी पड़ रही है, सजा हो रही है उसकी यहाँ घर में, वैसे नुका वैसे संस्कार ना सिखाती, एक दो बात कह दू तो वो तुझे बुरी लग जा, जैसा वो कह देगी वो बात इस घर में अटल, और मैं तो हूँ इस घर में पागल, अब जैसा थारा जी करे वैसा करते रहो, मेरा तो दिमाग खराब करो मत। ज्योति बेटा तू भी घनी जिद ना करे करे। बापू मैं सारा काम करूँ घर का, फिर भी पता ना मौसी मेरे पीछे ही पड़ी रह, फिर भी नहीं करते रहे, नू है नू है, मैं कुछ नहीं कहती मौसी से, मैं उसे बहुत कह लिया वह भी नहीं मान दी, फिर मैं बड़ा दुखी हो जाऊं तेरी मारे। बेटा थोड़ी सी दिन की बात है, फिर तेरा ब्याह हो जाएगा, छूट जाएगी तेरी जेलिया, तू मेरे कहे थे जो कर मैं खून कर, ठीक है बापू जैसे तुम कहोगे मैं ऐसी मानूंगी। ओए अमर रुक गई बेटा। हाँ बता क्या क्या है तू मुझे। अमर बेटा मैं तुझे एक बात समझा रहा हूँ, तेरी माँ से ज्योति को थोड़ा परेशान सा रख, तू भी उसे कहकर मगरी माँ मेरी बहन है यार, तू नू क्यों कर रख रहा, कोई बात समझ में ना वैसे क्यों, आराम से बता दे। वो ऐसा कुछ ना कहती है, खुद खप्पर भरे है, तुझे ना पता है कितनी खप्पर भरनी है, तेरे आगे भर के दिखावे या खप्पर। अमर बेटा मैं जिब भी करूँगा या रोती पावे दुखी पावे उदास रहे हर के मुँह थोड़ा हुआ रहे, अगर एक आदमी घर में दुखी है जो करवा के है या सुने है नू
वह थरी माँ है, ठीक है ना? और उसी यार खूब रज्जी बोल रहे करो। फिर भाभी रज्जी बोल रही, एक काम समझ में ना आवे तो पूछ लिया कर बेटा। मैं तो इस आदमी से दुखी हूँ, हैं? अपनी तो कैसी बगल में बैठा रखी है और उस छोरे को मेरे खिलाफ भड़का रहा। और तो इस पर कुछ आता नहीं, बस यही कर्म करता रहा बैठा बैठा। हाँ बेटा मेरा, तू बोलता क्यों ना ज्योति? इसी गल बोल रहे तो और को कर बोल रहे? अरे बेटा बहन है तेरी, रज्जी बोल लग रहे। यू और टांग रखे कम खत मारी मेरा जी जलाने को, और मेरे सिर पे टांग रखे यू इसे देख देख के जीतता रहे बस। यू ही देखनी तो काय को लाया फिर मुझे? तमी भी बालक हो, समझ देनी और समझ दरिया वे पढ़े लिखे थे। मैं तुम कहूँ तू भी पढ़ने में ध्यान से लगा ले, बेटा तू भी फार्म भर ले। बातों से पढ़ा ले, समझदारी की जरूरत है, मजे नहीं है। मैं इसे भी समझा दिया तो जब ही समझाना चाह रहा। ओ बाबा मैं तेरे आगे जोड़ू दो हाथ, तू जाने चवा जाने। माँ की तस्वीर किसने उल्टी कर दी? बापू रोटी खा। क्या खा ली? मैं खा लूंगी बाद में। ना ना फिर बाद दूध में नहीं तो करती, रोटी खा पहले। ना बापू तुम खा लो, मैं खा लूंगी बाद में। दोनों गैल खाऊंगे, ले खा। रोटी नहीं खाती अभी आने, रोटी खा लेगा। रोटी मिलती ना तुझे, हैं? ऐसे लाड दिखा रही है बाप के धोरे बैठ के जैसे तू रोटी देती रहूं मैं? तुझे तो नू कही है कि रोटी से दिया पहले से खा लंदे। क्या हो गया? टूक तड़ो उतरन देगी कि नहीं? टूक ना, मैं थारे टैट में से काट रही रोटी। मैं से रोटी ना देती हूँ? डेलड़ डेलड़ डेके से रोटी खवा रहे हो मेरे सिर पर बुराई धरने का। मैं हाँ ऐसा रोटी ना मिलती। वो बैठा उसे भी कही है कि मेरे भी खा रोटी खा ले तो कही है सर। बापू मैं नहीं तो कह रही थी तुम खा लेते रोटी पहले। हाँ दिखा रहा रोके रोके दिखा इतनी बात में भी ले, खाली 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 अरे ला तुम्हें दे रोटी, इनके तो रोज के ड्रामे है, मुझे भूख लग रही। बाबी राम राम। राम राम बीबी राम राम। आ जा बैठ जा। और सब ठीक? बालक ठीक है थारे? हाँ सब ठीक है। तो थारे भी ठीक है? हाँ हमारे भी ठीक है। चलो ये ज्योति है के? हाँ ज्योति है यू। बीबी मैं तो ऐसा कल सिखाती सिखाती थक ली है। कोई नू कह होगा अक्षा की माँ तो ही ना मौसी थी, इतनी अकल है बब्बो सा करी तो ना देख ले तेरे से भी राम राम। इसा ना ना किसी आए की ना गए की ना ऐसा खाने की ना नहाने की सा ना खाए की भी शुद्ध। और मैं इसके पीछे पीछे फिरे जाऊं बेटी बेटी करती और यू गुब्बारे की तरह फूल कैसी हो जा गड़गज कतई। मेरे से भी कई कई दिन हो जाए ऐसा बोल ले। किसी काम को कहूंगी उसमें रो के दिखाओगी क्या मुझे काम बता रही है मुझे नू कह रही है। बीबी मरना मेरा हो रहा, ये सगी माँ हूँ तो मैं उसे डांट भी लू मार भी लू। मैं ठहरी मौसी, मैं तो उसे कुछ कह भी नहीं सकते। मेरा जन्म दुखी हुआ इस घर में। ए ज्योति क्या बात होगी? कुछ ना चाचा। क्या बात होगी फिर? मौसी। क्या हो गया मौसी? चला मैं देखूंगा क्या बात है, क्या कह रही वो। तू आ तो सही, तू आ मैं देखूंगा ना क्या कह रही तेरी मौसी। चला मुझे बता तो क्या बात है। आ
धर्मवीर। हाँ भाई। कैसे धर्मवीर, घर में कुछ दिक्कत चल रही है। वो ज्योति भाग्य भी आ रही थी, मैंने रास्ते में थाम के मैं समझा के आया हूँ घर में बैठा के, मेरी तो कुछ बात समझ में नहीं आई। भाई प्रेमपाल, बात के बताऊं ऐसी फांसी गले में डल रही, गलती भी मेरी है भाई, भुगतनी भी मजे ही है। कई बार तो जी नू करे और बच्चे ले जाऊं, पर फिर भी बात तेरी मेरी शर्म दी आज है, झेल रहा, काम घना करड़ा हो रहा। या जो भाई इसकी मौसी है, बिल्कुल भी आई नहीं करती, हर टेम इतनी दुखी करा की छोरी, बस मजी प्यारा। पर भाई तू ठीक कह रहा, तू गया होगा, सुनी तो होगी नहीं, तू तो मुझे प्यारा, पर जी घना देलर है। समझदार आदमी है, घर में राड़ बीड़ तो होती रहे, कुछ गलत कदम उठा दीजो। ठीक है, अपना देखभाल के संभल के चलो, बात सिर के ऊपर को जाएगी, फिर भी संभालनी तो पड़ेगी भैया। हाँ भाई, इतने परमात्मा का साथ है, अकल काम करेगी उतना काम तो करेगी। ठीक, ध्यान रखो। ठीक है भाई। ज्योति। हाँ बापू। पढ़ रही बेटा? हाँ बापू पढ़ रही। बस पढ़ ले तू, इस दलदल में तो पढ़ के ही निकल सके। पढ़ ले मेरे बेटा, बस तू पढ़ ले। 2 साल पढ़ी छुट्टी हो तेरी पढ़ाई, पर तू पास हो जाए, पढ़ ले। ज्योति। हाँ। तेरी मौसी तो ना यहाँ पे? ना है, बहन आ जा। आ जा बैठ जा। क्या बात हुई? कुछ ना। अच्छा, मुझे भी ना बतावे। तो कुछ बात है ना तो क्या बताओ? बता भी, मैं तो तेरी दोस्त हूँ। हमारा जाते जा, मेरे मुँह से आ गई। क्या बता रही थी इससे? ये क्या बता रही थी इससे? तो चुगली कर रही थी मेरी, हैं? ऐसे क्या फांसी लगा दूँ मैं तेरे जैसे सबसे शिकायत करती रहे तू? मर जा परा को डूब के, तन्ने जन्म दुखी कर दिया मेरा, चली जा इस घर में से लिखड़का सैनी। देखता ही ना अमर। ज्योति बेटा, नूगी बैठी खड़ी हुई है।
खड़ियो, क्या बात हुई? बापू तो घर में रह कर। हाँ मैं घर ही रह कर। चल तू खड़ी हो एक बार, खड़ी भी हो जा मेरे बेटा, चलो खड़ी हो। बापू। हाँ ज्योति। रोटी खा ले बापू। बैठ बेटा, आ लिया मैं। रोटी लिए बेटा? हाँ बापू रोटी ले आई। उसे भेजती हूँ, आता ले गए? वो ना आया घर पे, मौसी कह लगी जा तू ले जा रोटी अपने बापू की। अच्छा चल बैठ जा बेटा। अरे राम रे, ले बापू तू रोटी खा। या और ले तू भी खा ले। ना बापू मैं ना खाऊं। क्यों? बस ऐसी बापू, मुझे मेरे मामा को छोड़िए बापू। क्यों? मेरा जी नहीं लग रहा है। जी नहीं लग रहा? जी तो मेरा भी नहीं लग रहा भैया। चल ठीक है ज्योति, तू रोटी खा ले। मैं रोटी तो खा लूंगी बापू, पर मैं घर तेरी गैल चलूंगी। चल मेरी गैल चलिए, तू रोटी खा। सारा रोटी खानी भी भारी हो गई, खा ले बेटा। बापू तू भी खा ला रोटी। चल जी तू कह रही थी खा ले। ला बापू मेरा हाथ सुखा। भैया भगत मुझे उठवा दियो। ए तेरे पे चार गोशे नहीं उठते गे, इतना तो तू खा जाती होगी, इतना तो से मैं वजन भी ना है। अच्छा यहाँ खिचड़ी पकड़ी है इसकी, मैं बताऊंगी इसे, मैं करवाऊंगी इससे बात। यहाँ उठवाना तो उठवा दे, घनी बात तो बनावे मत ना। बात वाली कौन सी बात है, वजन भी है इसमें। निकट चल। एक क्या बता रही थी तू छोरे से? हाँ और बोलती नहीं, बोल रही पोड़ चुटिया। हाँ कैसा हमें जीन देगी ना, जीन देगी? हाँ तने तुम्हारी बेइज्जती करवा के धर रखी है। हाँ अब छोरे से भी बतवाल लगी तो। ए बता रही ना, बता रही क्या बता रही थी उससे तो? हाँ टूट गई डूब का मर जा, तुझे ना रही तेरे लिहाज शर्म। उपले थाने भेजी है तो यहाँ लौंडन से बतला रही है तो कम मखत। ये तो मेरा ऐसा करा इन उपले की बड़ाई में तुझे गेर कर तुझे फूक दू यही। और उठी ना अभी हो जा खड़े, अरे आग दे दूंगी तुझे इन उपले की बड़ाई में धर के। ऐसे ऐसा लेता मुझे सिकल मत दिखा दे, जा मर जा कहीं डूब के चली जा। तेरा ना रही सब बिल्कुल भी बेशरम।
ज्योति, ए ज्योति, अमर, रख खोलिए कुआड़े को। अमर रे, माँ मेरे से सहन नहीं होता, मैं भी तेरे पास आ रही हूँ। एक कुआड़ खोल लेने। ज्योति, यू क्या कर रही तू? क्या बात हुई? बापू, मुझे अब नहीं रहना इस घर में बिल्कुल भी। बापू मुझे मर जान दे, मुझसे अब सहन नहीं होता बिल्कुल भी। ज्योति बेटा, मैं जिंदा हुई भी मेरे जीते जी नहीं बच सकती तू। बापू मुझे अब नहीं रहना इस घर में। इस घर में तो मजे भी नहीं रहना। ये काम नहीं करना बेटा, चल रहते ही नहीं हम यहाँ जी। चल शांति तेरी मेरी, राम राम। चल बेटा। है के धर्मवीरा? हाँ आजा भाई, आजा। आगे भाई। हाँ आजा बैठ। चल ले भत्रिया, कल की मजदूरी। हाँ भाई ले दे दे, चौदह मजे तो ठीक है भाई। आगे और तड़का डोल का आई जी। हाँ डोल का आई जी, तू बेफिक्र रहो और बता दे करो मजे तो काम ठीक है भाई। हाँ अब जो तो भाई करके ही काम चलेगा। नहीं है भाई। हाँ भाई बताया करो काम मजा। ठीक है भाई, ठीक। एक डोल होगी क्या रे? बड़े तो ना होगे? एक दो तीन, भाई 10 डोलों का काम हो गया अभी तो। चल हो जाएंगी सांझ रहे तो होएंगी। पहला भाई और जो इसमें एक बार रासा यहाँ दे दूँ अति भर जाएगा, नहीं तो एक डोल और बत्ती दिखेगी। अंदर दे दूं, यू क्या रहा है कुछ बड़ा सा? और अले सी खड़ी डोल भोर दे दू मट्टी, कदा पानी पार टूट जाए फिर खामा खामा जाओ लाना मिल जा। अरे धर्मवीर, फावड़ा कहाँ ठहरा? अरे कहाँ के ठहरा, उसकी शिवराज की डोल सी काट गया भाई। मैंने सुना तू न्यारा रहने लगा। हाँ भाई वैसे ऐसी बात है, मैं ना चल काम न्यारा रहना पड़ेगा। नू ना करे करते मान जा और अपना गुरु चेता। ठीक कह रहा भाई, सब तो अपनी बता दे भाई, वो तो मुझे बेरा के भी। ला बापू रोटी खा। हाँ धर ले आजा, दोनों ही खाऊंगे, मैं एक ही खाऊंगा। बैठ जा बेटा, चल रोटी खा तू।
को गुड़ नहीं लिया? ले लूंगा, ले लूंगा। रह के धर्मवीर। हाँ भाई, आजा भाई, प्रेम पला जा, आजा आजा, रोटी खा ले। हाँ जी, बस जी, खाओ भगवान बहुत। आजा चाचा, राम राम। राम राम बेटा, राम राम। आजा बैठ बैठ। ठीक है, नहीं आजा ले। ना ना ना, इंगे ठीक। चलो चलो, इंगे ठीक। और बता भाई, प्रेम पाल क्यों कराना? भाई धर्मवीर चिनाई से लगा रहे, सड़क मजदूर की जरूरत है। ठीक है भाई प्रेमपाल, मामा क्या मजदूरी ले करो? और मजदूरी तो जो कुछ गांव में रेट चल रहा है वही दे दियो, मैनू थोड़ा अकबर थेरे पता कुछ नहीं आ रही लूंगा। यहाँ रहने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही कुछ? ना भाई प्रेमपाल, दिक्कत क्या होती? और होगी तो फिर तुम्हें बताऊंगी हम कहाँ जम्मा में। कोई दिक्कत हो तो बता दीजो। अरे भाई प्रेमपाल, थारा ही सारा और यंत्र तक कौन के ले जा, यही भलाई बुराई है। और भाई रहने की बात ही आ गई, राइड था बाइड चौखी, हम तो इस बात की मेरी यहाँ आ गए, मगर तुम रह लो, वरना कह लेगा भाई जावे क्यों है तू, तू यहाँ रो। चलो भाई, जी भाई नु कह रहे थे मैं तो यहाँ ठा लिया। ठीक है अपने। हाँ भाई, मगर रोटी खा ले। रोटी की कोई बात नहीं, रोटी खाओ, पतड़ के अपने टाइम पे आ जाइयो। हाँ टाइम पे आ जाऊंगा भाई प्रेमपाल, बेफिक्र हो, तड़की वहीं मिलूंगा 8 बजे। बस तो ठीक है। ठीक है, और कुछ काम हुआ करे तो बताया करो। हाँ बिल्कुल बताऊंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बताऊंगा, देखिए काम की जरूरत है। ठीक है, ठीक है भाई, राम राम भाई। ए, अमर। हाँ। थोड़ा गाय ठंडे कर, अरे कुछ अपनी माँ का भी ध्यान रखे कर। तू नू बता तेरा के मतलब है मेरे ते, राख लेंगे, जा वो मेरा काम है। ठीक। एक वक्त तक और आओगी। अरे माँ पैसे दे दे तुझे। हाँ बोतल लानी। तेरे दो कनपटी पैसे मारूंगी, तुझे सारी बोतल लवा दूंगी अभी। हाँ धरे पैसे। पैसे चाहो मुझे पैसे। मैं नु कह रही चला जाए इससे, टल जा मेरी आंखों के आगे से, तू कम मखत। हमने जाने के आते हैं, यहाँ तो जाएगी तू, चल निकल। तू निकालेगा मुझे घर में से? हाँ हम निकालेंगे, मेरा आयु इससे सारे को बेच दूंगा, अरे खेती बेच दूंगा, सब कुछ अड़ंगा बेच दूंगा, सब मेरा है, तेरा के चलो अंत। कम्मा खत, तेरे ऊपर तो वे बाप बेटी चले गए दोनों, और तू यहाँ मूत को पी का आया है, जुबान चला रहा मेरी गैल। तू तेरे ऐसा मारूंगी मैं कनपटी पे, तुझे कर दूंगी सही तुझे, अभी यूं बता रही हूँ। मजे ठेका ना चला जा तू हिस्से निकल यंत। तेरा मैंने कह रही मान जा, चल तू यंत। कहाँ ले जा रहा तू मुझे खींच कर? निकल इस घर से, तेरा के है यहाँ। मैं कह रही छोड़ दे मुझे, चल मुझे ना पता। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, निकल निकल। अरे ना ये जा, तेरा कोई काम नहीं आशिक, ये मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ। शांति आज के बात हुई, भूल गई मैं क्या कहता था, इन बालकों को संस्कार सिखा ले, तेरे काम आवो। ना मैं घर तली करता, ना आज तजा घर तली करना पड़ा था। अब मैं क्या करूं? धर्म भी नहीं अपने धर्म चाट है, आज चल मेरी गल। शांति आ जा। मौसी जी, ज्योति देख तेरी माँ आ गई, चलो वहां बैठो, चल बैठो। यहां बैठ रहा आप देख। ज्योति ये छोड़ेगी भी अपनी माँ का पीछा ना छोड़ दे। ज्योति बेटा तू मुझे माफ कर दे, मैं तुझे अपनी बेटी ना समझा, मुझे माफ कर दे लाडा, मैं तेरी माँ हूँ तो माँ ही रहूंगी। शांति मैं समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ती, ना ज्योति को ना तजय, पर मैं क्या करता, बात इतनी लाचार होगी तू समझी नहीं, जो तू समझ लेती ये ज्योति रमर अमर ज्योति हो जाती। अब भी अमर ज्योति रहूंगे, लड़का देखो इसके लिए इसकी शादी करेंगे, उसके लिए लड़की देखो उसकी शादी करेंगे,
चल ठीक है, तुझे फिर कहेगी। इन दोनों बालकों के पहले हाथ करो और अपना आराम से रहूंगा। आपस में तो जी प्यार से रहेंगे, घर सुरग। हाँ। ना समझी मैं तो इशारा ना सुया। चल चल बेटा चलो चलो चल अपनी माँ की। किताब खा ले अपनी।